हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 70 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो क्लास को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ बात करेंगे हम फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है गाइस यहाँ पर, विच इज़ नॉट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, आपका मैजिक टूल। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, विच वन कैन वी यूज़ एज वाटर मार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें से क्या है जो हम एज अ वाटर मार्क तो आप एमएस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब टेक्स्ट और इमेज दोनों को हम एज अ वाटर मार्क के तौर पर वर्ड में यूज़ कर सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। सेंटर अलाइनमेंट को अप्लाई करने के लिए पैराग्राफ में कौन सी शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इसमें से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंडस्केप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर ओवर कैटेगरीज। वो कौन सा ऐसा चार्ट है जो कि दो वैल्यू को वैल्यूज ओवर वैल्यूज़ को कंपेरिजन के लिए यूज़ किया जाता है? तो उस कैटेगरी का नाम है इसमें कॉलम चार्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। इन वर्ड 2010 द जूम इज़ प्लेस ऑन। वर्ड 2010 में जूम कहाँ पर होता है? तो जूम की बात करें तो वो आपको व्यू टैब में मिलता है और स्टेटस बार में मिलता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन की। विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। बॉटम ऑफ ईच हर एक मतलब बॉटम पे अगर हमें कुछ प्रिंट चाहिए तो कौन सा आइटम यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूटर। फूटर्स क्या होता है कि आप हर पेज पर कोई भी आइटम्स में प्रिंट कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट और नंबर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर नाइन की। विच वन इज़ नॉट अ फंक्शंस इन एक्सेल। एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AVG। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर टेन की। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। जब हम एक्सेल की कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स आती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्री। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट थ्री शीट्स नज़र आती हैं। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर इलेवन की। एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द। एक्सेल करंट सेल एड्रेस को कहाँ पर डिस्प्ले करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेम बॉक्स। एक्सेल में जो भी करंट सेल होता है उसका जो नेम डिस्प्ले होता है वो आपका होता है आपका नेम बॉक्स में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ इन एक्सेल 2010। एक्सेल की फाइल का बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है 2010 वर्जन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .xlsx, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होता है वो कॉलम और रो से पहले एक डॉलर का साइन वहाँ क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर ए हमारा कॉलम है, वन हमारी रो है, तो दोनों से पहले यहाँ डॉलर का साइन नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यहाँ पर बात आ रही है वर्ल्ड का पहले सुपर कंप्यूटर की। तो उसका पूरा नाम है ऑप्शन बी, CDC6600। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की। ALU स्टैंड फॉर। तो ALU का मतलब होता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अर्थमेजिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। ईमेल एड्रेस किससे मिलकर बनता है? ईमेल एड्रेस टू पार्ट से मिलकर बनता है, नंबर वन यूज़र नेम और नंबर टू डोमेन। ये दो पार्ट्स होते हैं ईमेल के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निबल इज इक्वल टू बिट्स। मतलब निबल एक निबल्स में कितने बिट्स होते हैं? निबल्स होते हैं हमारा 4 बिट्स के बराबर। निबल्स इज इक्वल टू 4 बिट्स, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज ऑपरेशन सिस्टम इज। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको बोला जाता है डेस्कटॉप,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 की, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1638, 1638 करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गाइस बूटिंग क्या होती है। बूटिंग कंप्यूटर में टू टाइप्स की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, दूसरी कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग कब होती है, जब हम कंप्यूटर को चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दें तो उसे वार्म बूटिंग बोला जाता है, और जब कंप्यूटर काफ़ी समय से ऑफ होता है उसको अगर हम ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में केवल रीस्टार्टिंग कंप्यूटर लिखा है और ऑन कंप्यूटर नहीं लिखा है, टू ऑन कंप्यूटर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, मीन्स ये वार्म बूटिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, BCC स्टैंड फॉर, BCC का मतलब होता है यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, द फाइल अटैच टू एन ईमेल इज अ कॉल्ड, जब हम फाइल अटैच करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अटैचमेंट, किसी भी फाइल को मेल में अटैच कराने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ULSI स्टैंड फॉर, ULSI का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये भी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, विच लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, व्हाट इज़ यूज इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी स्टोरेज यूज़ की गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटिक ड्रम। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 26 की, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, फर्स्ट ईमेल किसके द्वारा सेंड किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिसन, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की, हु इन्वेंट आईसी का इन्वेंट किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जैक किल्वी ने आईसी का इन्वेंट किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, एस रैम स्टैंड फॉर, तो एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, और गाइस अगर यहाँ एस रैम की जगह डी रैम होता तो यहाँ पर हो जाता डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, ऑक्टल नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है यहाँ पर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इंटरनेट पर ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसके लिए हमें कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, द कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रैम एंड रोम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो होता है CPU, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एक्सेल, एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 409। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, स्टैंड फॉर HTTP, यहाँ पर बात कर रहा है HTTP की फुल फॉर्म की, तो गाइस HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, तो स्टैंड फॉर DOS, डॉस की फुल फॉर्म की यहाँ बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, द मॉडर्न कीबोर्ड टाइपिकली हैज़ फंक्शंस की, तो जो मॉडर्न कीबोर्ड होता है उसमें जो हमारी फंक्शंस कीज होती हैं वो 12 होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो फंक्शंस कीज होती हैं F1 से F12 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हैज़ कॉलम लिमिट ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में जो कॉलम की जो लिमिट हमें मिलती है वो मिलती है 16384, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, इन एक्सेल सीलिंग 55.6 रिटर्न्स, तो सीलिंग फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो 55.6 की रिटर्न्स वैल्यू क्या आएगी, तो गाइस इसके ऊपर मैंने सीलिंग और एक फ्लोर
इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है गाइस, तो इस वीडियो और उस वीडियो को आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक आपको जो है आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो फटाफट आके वीडियो देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस वर्ड, सॉरी एम एस विंडोज़, इसमें से कौन सा लेटेस्ट वर्जन एम एस विंडोज़ के लिए है? तो बताएंगे इसमें से जो लेटेस्ट विंडोज़ है सिस्टम हमारी, वो हमारी विंडोज़ 11। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। दीज आर कीज ऑन द कीबोर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है हमारी, जो कि क्वाडी कीबोर्ड होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 की। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल, सॉरी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के फॉर हाइपरलिंक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। ओएलएक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओएलएक्स किसका एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी टू सी, मीन्स कस्टमर टू कस्टमर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। तो सीडी की फुल फॉर्म होती है गाइस कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 क्वेश्चन में, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने वेज होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थ्री, थ्री वे होते हैं फाइल को सेव करने के। अब बात करते हैं क्वेश्चन 47 की। वी लुक अप फंक्शन यूज टू, वी लुक अप फंक्शन जो यूज़ करते हैं गाइस, वो हम करते हैं फाइंड्स रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स, रिलेटेड डेटा को फाइंड्स करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 48 की। शॉर्टकट टू एडिट द सिलेक्टेड सेल, किसी भी सिलेक्टेड सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पर गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F2। एक्सेल में कोई भी सिलेक्टेड सेल को एडिट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंटर ऑप्शन सी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, वर्ड के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 63, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। व्हाट इज शॉर्टकट टू एंटर करंट डेट इन सेल, तो सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर हमें अगर करंट डेट इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट डेट इन वर्कशीट सेल, कौन सा फंक्शन है जो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि करंट डेट इंसर्ट करने के लिए वर्कशीट पर यूज़ किया जाता है? अभी गाइस मैंने बताया था कि करंट डेट की शॉर्टकट क्या है। अब यहाँ शॉर्टकट की बात ही, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, मीन्स फॉर्मूले की बात हो रही है। तो एक्सेल में करंट डेट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है टुडे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में 53 की। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, जीके का क्वेश्चन है, आई होप कि इसका आंसर सब लोग अच्छे से जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीबी, टीबी का मतलब इसमें क्या होता है? तो टीबी की फुल फॉर्म होती है गाइस इसमें टेराबाइट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेराबाइट जो 1024 GB से मिलकर बनता है, एक 1 TB। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, गाइस ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि इसमें से पेज ओरिएंटेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर लैंडस्केप इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन हमारे बेसिकली दो ही होते हैं, एक होता है हमारा लैंडस्केप और दूसरा होता है हमारा पोर्ट्रेट। अगर यहाँ लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट होता तो उसका आंसर पोर्ट्रेट लगाते, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में 56 की। व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से क्या होगा, क्या यूज़ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिफाई, कंट्रोल जे होता है अलाइन जस्टिफाई के लिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में 57 की। व्हाट इज शॉर्टकट टू एंटर करंट टाइम इन सेल इन एक्सेल, एक्सेल में किसी भी सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है उसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस इट प्लस कॉलन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिक,
हर कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस से उसे हम पहचान सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 59 की। वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल, वेब एड्रेस में से और क्या कहा जाता है? वेब एड्रेस को कहा जाता है, इसमें से यूआरएल को भी वेब एड्रेस कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स की फुल फॉर्म होती है गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है, तो यहाँ पर लैन स्टैंड फॉर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लैन की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। केबल टेलीविज़न इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीविज़न, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो टेलीविज़न यहाँ पर बात जो हो रही है, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा आपका मैन मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं 62 की। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रीडो, रीडो की शॉर्टकट की क्या है इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस वाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू डिलीट मेल्स दे आर मूव टू, जब हम कोई मेल्स अपनी ईमेल आईडी से डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके मूव हो जाते हैं, कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैश। डिलीट किए हुए सारे मेल्स ट्रैश में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। हु इज़ फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड रॉबर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं गाइस। इन एमएस ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स, एमएस ऑफिस में मैनेजिंग ईमेल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस आउटलुक, जो कि एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, ईमेल को मैनेज करने के लिए होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। विच डोमेन आर यूज बाई प्रॉफिट बिजनेस, कौन सा डोमेन प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉट कॉम, मीन्स कमर्शियल, डॉट कॉम का मतलब यहाँ कमर्शियल होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। वैन स्टैंड फॉर, वैन का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है गाइस, तो वैन का मतलब यहाँ पर होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। VLSI स्टैंड फॉर, तो VLSI स्टैंड फॉर, यहाँ पर VLSI की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था VLSI। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू राइट ऑफ द कर्सर, इसमें से कौन सी कीज़ है जो कि करेक्टर्स को राइट हैंड से डिलीट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिलीट। डिलीट की से जो भी करेक्टर्स होते हैं वो राइट वाली साइड के डिलीट होते हैं। अब बात करते हैं गाइस लास्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो 70 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है गाइस? ये भी बेसिक सही क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन डी। तो गैस ये थे वो 70 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में गैस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।